जिला कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुमान है कि जून जुलाई में एक बार फिर कोरोना का स्पाइक आएगा। जिला कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अनुमान है कि जून जुलाई में एक बार फिर कोरोना का स्पाइक आएगा। इसे देखते हुए हम MY और सुपर स्पेशलिटी सेंटर में 1400 बेड की व्यवस्था कर रहे हैं। मनीष सिंह ने कहा कि CCC में 80% लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, उन्हें होम और आइसोलेशन में रखेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से इंदौर की जनता मदद कर रही है, इससे कोरोना की साइकिल ब्रेक करने में बहुत मदद मिल रही है। उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इंदौर में इसका ज्यादा असर नहीं होगा। श्री सिंह ने कहा कि 17 मई के बाद आम लोगों को घर में से निकलने की अनुमति नहीं रहेगी। एकदम से लोग निकलेंगे तो जो चीजें अभी तक कंट्रोल में है और बची हुई है उनके फैलने की संभावना है, मेरे मत से तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। जारी किया है कि जो पॉपुलेशन के हिसाब से हमको बेड की व्यवस्था करके रखनी है, 10,000 बेड इंदौर में करने की तैयारी करना, क्या उसको लेकर हम प्रयास करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्पेकुलेशन है कि जून जुलाई में फिर से एक बार कोरोना का स्पाइक आएगा यहाँ पर, हर पूरे इंडिया में। इंदौर में जो जनता ने सहयोग दिया है लॉकडाउन में, जो स्थिति यहाँ फरवरी में स्प्रेड होना शुरू हो गया था, मार्च में ब्लोअप किया है इंदौर में। और आपने देखा होगा कि 25 मार्च के बाद से ही बहुत गंभीर हालत पेशेंट्स निकलना शुरू हो गए थे। 29, 30 और 10, ये 10 अप्रैल 15 अप्रैल तक चला है जो सबसे टफ पीरियड था हम लोगों के लिए यहाँ पर। एक स्पाइक और आएगा उसको हम लोग इसीलिए, जितने भी केसेस अभी आप लोग देख रहे हैं जो पॉजिटिव आ रहे हैं वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड लोकेशन से हम लोगों की, और हम लोग वहाँ पर इंटेंसिव सर्वे सैम्पलिंग करा रहे हैं, जैसे हेमू नगर हो गया, कमला नगर, बलहारगंज थाना क्षेत्र हो गया, MIG थाना क्षेत्र हो गया, कुछ पोर्शन परदेसीपुरा थाना क्षेत्र का है, माड़िक बाग है, जूनिंदौर थाने के कुछ क्षेत्र हैं। कुछ इन क्षेत्रों में हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एक सर्वे और हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की डेडिकेटेड टीम्स लगी हुई हैं। सर्वे वाली टीम को हेड कर रहे हैं रोहन सक्सेना जी, जो CO जिला पंचायत हैं, कंट्रोल रूम में ही रहते हैं, फील्ड में जाते हैं, पूरा हमने उसी में लगा रखा है उनको। जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की टीम है वो हमारे चैतन्य जो एडिशनल कमिश्नर नगर निगम है वो पूरा हेड कर रहे हैं, और PSM डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर सकल्ले वो हेड कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज के। ये दोनों कंट्रोल रूम हम लोग के मेडिकल कॉलेज GSITS से बने हुए हैं, और वहीं पर हम लोगों ने होम आइसोलेशन जो लोगों को रखना है उसका ऐप भी बना दिया है, वो कंट्रोल रूम भी चल रहा है, उसको भी रोहन सक्सेना मॉनिटर कर रहे हैं। तो हम लोग कंट्रोल रूम के माध्यम से, चूंकि सारा काम ऐप पे हो रहा है हम लोगों का, तो फील्ड की परिस्थिति पूरी रिफ्लेक्ट होती है कंट्रोल रूम में, उसके माध्यम से प्लानिंग करके जो एरिया में स्पाइक आ रहा है, कुछ फुलझड़ियाँ टाइप की निकल रही हैं इसकी, उन एरिया में ये संभावना हमेशा रहती है कि और भी पेशेंट्स होंगे, उस एरिया की इंटेंसिव सर्वे सैम्पलिंग करा रहे हैं ताकि वहाँ पर जो भी संभावित पेशेंट्स हों वो आइडेंटिफाई कर सकें हम लोग। और उसी केसेस अब आ रहे हैं, अभी आपको 4-5 दिन 7 दिन तक ये केसेस दिखेंगे आते हुए, कभी 50 केस, कभी 70 केस, कभी 100 केस, पर नेगेटिव संख्या बहुत बढ़ गई है हमारी। ये अपने लिए अच्छी बात है कि जो 30-35% पॉजिटिव सैंपल करते थे, 100 में से 30-35% पॉजिटिव आते थे, वो संख्या कम होकर 10 के अंदर आ गई है। अब उसी का प्रयास है कि जितनी ज़्यादा हम लोग अभी इनिशियल स्टेजेस में पेशेंट्स को निकाल सकें, उससे थोड़ा कॉलोनी में सतर्कता भी आती है। सर, बेड हमारे पास अभी के लिए क्या मतलब कहाँ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आकलन है या जो स्टेट गवर्नमेंट ने उसने बेड संख्या का बोला है हम लोगों को, उतने बेड संख्या की ऑलरेडी हम लोगों ने एक बेड ऑगमेंटेशन पूरा प्रोग्राम तैयार किया हुआ है हम लोगों ने, और उसको उसके हिसाब से तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अभी 1 बजे कमिश्नर साहब की मीटिंग भी है, उसमें हम लोग 80% लोगों को ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं रहती है, तो 80% जो संख्या रहेगी हमारी वो CCC में रहेगी, कोविड केयर सेंटर जो हमारे होटल्स और मैरिज गार्डन्स वगैरह हैं, और उसका मैक्सिमम पार्ट रहेगा होम आइसोलेशन में। जो सक्षम लोकेलिटीज़ हैं उनके लोग होम आइसोलेशन में रखेंगे, और बाकी जो हमारे बेड विद ऑक्सीजन चाहिए, जो बेड विद बाईपैप जिसको नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन बोलते हैं वो चाहिए, या बेड विद वेंटिलेटर्स चाहिए, उसकी संख्या हमने प्लान कर ली है और वो सफिशिएंट संख्या है। पर अब हम लोग फ्यूचर प्लान के लिए MYH का जो 1000 कैपेसिटी का बिस्तर का है अस्पताल, उसको भी कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे, और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो 450 का है उसको भी हम लोग तैयारी करा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज के पीछे बन रहा है वो, कि उसको भी यूज़ करें और टोटली डेडिकेट करें कोविड केयर के लिए उसको। पर हम लोग का पूरा प्रयास है कि जो स्पाइक जून जुलाई का एक्सपेक्टेड है वो इंदौर में ना आए। जिस तरह से जनता यहाँ सहयोग कर रही है, साइकिल ब्रेक करने में हेल्प कर रही है इस शहर की, उससे उसी से ये स्पाइक अपने इंदौर में बचाया जा सकता है आगे। काफ़ी सप्ताह है, इस सप्ताह के बाद जो है वो आम जनता के लिए इंदौर में छूट दी जाएगी, इसके बाद भी जो देखिए अब 17 के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ग्रेजुअली हम लोग अपडेट करेंगे, कर ही रहे हैं अभी और भी करेंगे, पर जनता को अगर घर से निकलने के बाहर की अनुमति तो नहीं रहेगी। जिनको कर्फ्यू पास रहेंगे, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम लोग अपडेट करेंगे उससे जुड़े हुए लोग निकल सकेंगे,
जा सके, वो भी मिनिमम के लिए, वो उनकी सुरक्षा है कि वो मिनिमम मूवमेंट करें उसके बाद भी, क्योंकि ये लॉकडाउन ही इलाज है, इसी वजह से शहर इतना सेटल डाउन हुआ है, नॉर्मलसी में थोड़ा बहुत दिख रहा है इस समय, पर ये आगे ना बढ़े इसके लिए ये ज़रूरी है कि अभी 17 के बाद लोग घर से ना निकलें, ये आवश्यक है। अभी एकदम से लोग निकलेंगे तो उससे कंट्रोल में फिर चीज़ें जो बची हुई हैं उससे और फेरअप होने की संभावना रहेगी, इसलिए अभी एकदम से 17 के बाद अगर घरों से बाहर निकलने की बात है तो वो हम मेरे मत से वो हम लोग अलाउ नहीं करेंगे उसको। करण भाई ने भी खूब खेला, रोल करें, मुद्दा क्या है सर? सर जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र को हम लगातार धीरे धीरे एक्टिविटीज़ बढ़ाते जा रहे हैं, आपने कहा था शहरी क्षेत्रों में भी हम एक्टिविटीज़ बढ़ाएंगे, क्या किस प्रोसेस है सर? देखिए ग्रामीण क्षेत्र को हम लोग की जो योजना है अभी वहाँ पर हम लोग ने इंटेंसिव सब जगह सर्वे भी कराया है, सैम्पलिंग भी कई जगह कराई है, और प्राइवेट फेस ये लग रहा है कि वहाँ पर ऐसा कोई अभी समस्या नहीं है, पर हम लोग प्रिकॉशंस भी रख रहे हैं हम लोग पूरा, जैसे जो लेबर्स आ रही हैं बाहर से उनका भी मूवमेंट हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं क्या, बहुत ह्यूज संख्या में है, पर उससे भी जो हो सकने वाली संभावना है, जो भी अस्पतालों में हमने इंदौर में ग्रामीण के डॉक्टर्स बुलाए हुए थे पिछले 2-2.5 महीने से, उनको एक एक करके मैं सबको रिलीव कर रहा हूँ, 17 आदमी महू वापस कर दिए हैं, 4 डॉक्टर्स और महू के यहाँ पर है, उनको भी मैंने CMHO को बोला है रिलीव करें, यहाँ के डॉक्टर्स से उनको अरेंज करें, और इसी के साथ साथ हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि जो जैसे खदानें हैं, मेरी माइनिंग ऑफिसर से बात हुई है कि सिंगल ऑर्डर हमारी तरफ से बना के खदानें चालू करा दें, जो ग्रामीण में कंस्ट्रक्शन हैं सर है उनको हम चालू करा दें, ग्रामीण में मंडियाँ हम लोगों ने चालू करा दी है, एक महू मंडी बची है उसकी बात कर रहा हूँ कि वो चालू हो जाए, वो उपार्जन सब केंद्रों में चल रहा है हमारा, और थोड़ा हम लोगों ने हल्का सा पब्लिक का मूवमेंट कंट्रोल किया है ग्रामीण क्षेत्रों में, ताकि अगर कहीं कोई ऐसी संभावना हो कोरोना की, किसी में इन्फेक्शन हो, कोई कैरियर हो, उसकी साइकिल ब्रेक हो जाए उसकी। ग्रेजुअली ग्रामीण को तो लगभग 350 इंडस्ट्रीज़ को हम लोगों ने चालू कर दिया है, वो चालू भी हो गई हैं, और शहर में भी ग्रेजुअली हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ा रहे हैं, जनता को अलाउ नहीं कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए, पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनको ज़रूर हम लोग कर्फ्यू पास दे रहे हैं। अभी जैसे फूड प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर की हमारी करीबन 150 इंडस्ट्रीज़ हम लोग परमिशन आज चली जाएगी उनके पास में, वो लोगों ने सब जिम्मेदारी ली है कि वो जो लेबर्स को अपने फैक्ट्री प्रमाइसिस में ही रख करके वो पूरा कार्य कराएंगे। लगभग 700-800 हम लोगों ने लोडिंग अनलोडिंग, जो लोगों के माल तैयार थे बाहर जाने थे वो किया है, प्लस जितने भी लोग आ रहे हैं जिसमें कि माल ख़राब होने की संभावना है उन सबको हम लोग अनुमति दे रहे हैं, किसी का माल ख़राब नहीं हो। तो ये हम लोग चिंता भी है कि लॉकडाउन के कारण किसी व्यक्ति को इस बात की हानि ना हो कि अगर माल बाहर भेज सकता है वो और यहाँ माल रख के ख़राब हो जाए, तो उस बात की चिंता भी कर रहे हैं। कई ट्रेडिंग वालों को हम लोग बात कर रहे हैं कि हम गोडाउन की परमिशन दे देते हैं, उनको निकलने की परमिशन दे देते हैं, पर वो बगैर ऑफिस से दुकान खोले अपनी ट्रेडिंग करें वो लोग, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल सियागंज देख लें, कंटेनमेंट एरिया के बहुत पास है, और सियागंज बहुत कोर हब है इंदौर का इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, चाहे इंदौर हो चाहे सेंट्रल इंडिया हो, तो वहाँ भी प्रयास कर रहे हैं कि वो लोग बिना सियागंज खुले अपने घरों से ही, हम उनको केवल मालिक को दे दें पास, हम गोडाउन ऑपरेशन की अनुमति दे दें उनको, मिनिमम लेबर गोडाउन में रख करके कैसे माल ला सकते हैं और फ़ोन पर बुकिंग करा सकते हैं, बैंक ऑपरेशन की अनुमति दे देंगे उनको ताकि उनके पैसे का ट्रांजेक्शन होता रहे, इस प्रकार से मिनिमम मूवमेंट करके जो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उठ रहे